नमस्कार दोस्तों, सोचिए अगर प्लास्टिक का इन्वेंशन नहीं हुआ होता तो बिना प्लास्टिक के हमारी लाइफ कैसी होती। क्योंकि प्लास्टिक हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। जो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके पीछे भी प्लास्टिक, कैमरा, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, जहाँ तक कि आप जिस फोन से वीडियो देख रहे हैं उसमें भी 90% प्लास्टिक यूज हो रहा है। ये प्लास्टिक पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है, जो कि हर एक प्रकार की चीजों को सेफ रखने के लिए प्लास्टिक हाईली प्रोड्यूस हो रहा है। England's rivers are filled with a chemical cocktail of sewage. Use plastic. क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल, कॉलेज, हम सब। पता होगी कि इस समय पृथ्वी पर प्लास्टिक का कचरा सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ के जिस गर्भ से हम सब जन्म लेते हैं, अब वहाँ भी प्लास्टिक पहुँच चुका है। यानी पर और दुनिया में आप सब जगह देखते हैं प्लास्टिक भर चुका है। लेकिन हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि धरती माँ के गर्भ से पहुँचते पहुँचते अब ये हमारी माँ के गर्भ में भी प्लास्टिक पहुँच चुका है। यानी इंसानों ने कोरोना की वैक्सीन तो खोज ली, लेकिन प्लास्टिक के प्रदूषण के खिलाफ कोई वैक्सीन नहीं है और अब ये माँ के गर्भ तक पहुँच गया है। एनवायरमेंट इंटरनेशनल नामक एक जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने इसके नाम में ही इसका मतलब है, यानी ऐसा प्लास्टिक जिसे एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार इस्तेमाल के बाद हम फेंक देते हैं, मसलन पानी की बोतल, दूध का पैकेट। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया भर में हर एक मिनट में 10 लाख प्लास्टिक बोतल खरीदी जाती है। और हम प्लास्टिक को काफी ज्यादा मात्रा में यूज भी कर रहे हैं। पैकिंग, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक, नूडल्स, मेडिसिन, कोल्ड ड्रिंक, बच्चों का खाने पीने का आइटम, स्ट्रॉ, कैंडी, चिप, चॉकलेट, जूस एंड सच लाइक, ऐसी सभी पैक हुई चीजों का एंजॉय कर रहे हैं। कभी सोचा ये पैकिंग हमारे लिए खतरा भी बन सकती है? जितनी ये प्लास्टिक हमारे लिए प्रॉफिटेबल है उससे कई गुना खतरनाक भी है। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो 2050 तक मछलियों से ज्यादा समुद्रों में प्लास्टिक देखने को मिलेगा। इस सिंगल यूज प्लास्टिक को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया में प्रतिबंध करने को ऐलान भी किया। भारत में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। देश में आज से यानी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग गया है। सरकार ने जिन सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम्स पर बैन लगाया है उनको बना, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि कंपनियों को लगने लगा था कि इससे बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। यही वजह है कि भारत में कोका कोला, पेप्सिको, पार्ले और अमूल, डाबर जैसी बेवरेज कंपनियां सरकार पर अपना फैसला बदलने के लिए दबाव डाल रही थीं। सरकार ने इन सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का फैसला लिया था। दोस्तों, हर साल पूरे वर्ल्ड में 368 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है, जिसमें चीन सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है। अबाउट 5.2 ट्रिलियन सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम इसका पूरा डेटा निकालें तो 80% सिंगल यूज प्लास्टिक यूज हो रहा है। अमेरिका 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक हर एक साल में प्रत्येक व्यक्ति 320 प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल करता है और इसी सिंगल यूज प्लास्टिक को एक बार यूज करके ऐसे ही फेंक दिया जाता है। और अब आप इससे गैस कर सकते हो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, और ऐसा हो भी रहा है। चलिए समझते हैं कैसे हुआ था प्लास्टिक का इन्वेंशन। दोस्तों, इसका इन्वेंशन 1862 में अलेक्जेंडर पार्क द्वारा किया गया था, जिसे उन्होंने ग्रेट इंटरनेशनल एग्जीबिशन इन लंदन में सबके सामने डिस्प्ले किया। बट जो ये प्लास्टिक हम सही मायने में यूज करते हैं वो पॉलीमर प्लास्टिक है। इसका इन्वेंशन 1907 में लियो बैकलैंड ने अपने घर में किया था, जिसे उन्होंने बैकलैंड नाम दिया था। अगर बात करें इसे सही मायनों में बनाया क्यों गया, नेचर रिसोर्स को बनाए रखने के लिए, जिसके पीछे इकोनॉमिक एंड प्रैक्टिकल कारण भी थे। और इसका 1950 से 1960 तक बहुत ही कम यूज किया जाता था, बट 1990 तक आते ही इसका यूज बहुत ज्यादा होने लगा। इसने अर्थ को सराउंड करना शुरू कर दिया। 2014 से 2015 तक आते ही इसका इतना प्रयोग देखने को मिला जो कि लास्ट 40-50 ईयर में नहीं हुआ। ये जो प्लास्टिक हमारी फैसिलिटी के लिए बनाया गया था, वही प्लास्टिक हमारे लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक बन चुका है। अब इसके रिसाइकल की बात करें तो 11% हिस्सा ही रिसाइकल हो पाता, कि बचा हुआ प्लास्टिक कचरे के माफिक पड़ा हुआ है। इतनी ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक कचरा इकट्ठा हो चुका है कि इससे एक माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पहाड़ बन सकता है। इससे 5 बार पृथ्वी को भी लपेटा जा सकता है। यही प्लास्टिक एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। सालाना इससे 1 लाख समुद्री जानवर मारे जाते हैं, क्योंकि जानवर इसको फूड समझकर खा जाते हैं। ऐसे में 50 से 80% तक समुद्री कछुओं के पेट में प्लास्टिक पाया गया है।
हर साल करीब 1,00,000 समुद्री मैमल्स यानी स्तनधारी जीवों की मौत प्लास्टिक की वजह से हो जाती है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक समुद्रों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक का कचरा होने का अनुमान लगाया गया है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 99% सी वर्ड्स प्लास्टिक खा चुके होंगे। समुद्र में जमे प्लास्टिक कचरे से हर साल समुद्री एनिमल्स की करीब 700 से ज्यादा प्रजातियां प्रभावित होती हैं। समुद्री प्रजातियां प्लास्टिक को भोजन समझकर निगल जाती हैं। कुछ समय बाद ही प्लास्टिक को खाने से उनकी मौत हो जाती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा आंकड़ा गायों का है। प्लास्टिक पॉलीथिन खाने से मरने वाली गायों की मौतों का आंकड़ा काफी बड़ा है। इस लिस्ट में कई राज्यों के नाम हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और राजस्थान का हाल सबसे बुरा है। साल 2017 में उत्तर प्रदेश की पशु चिकित्सक विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले लखनऊ में पॉलीथिन खाने से हर साल करीब 1,000 गायों की मौत हो जाती है। राजस्थान में पशुओं की स्थिति काफी खराब है। साल 2018 में इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पिछले 4 सालों में प्लास्टिक कचरा खाने से 1,000 पशुओं की मौत देखने को मिली है। जानवर प्लास्टिक को क्यों खा जाते हैं? प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल होने के बाद इंसान उसे कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। खाने की तलाश में सड़कों पर घूमने वाले जानवर इसे भोजन समझकर निगल जाते हैं। प्लास्टिक में मौजूद कई केमिकल्स की सुगंध खाने जैसी होती है, जिसे जानवर खाना समझकर खा जाते हैं। इस पॉलीथिन प्लास्टिक ने शहर के पर्यावरण को भी पॉल्यूटेड कर रखा है, क्योंकि इसको जलाने पर जो डाइऑक्सिन गैस निकलती है, डाइऑक्सिन को स्थायी कार्बनिक पॉल्यूटेंट्स यानी कि POPS कहा जाता है। ये एक ऐसी गैस होती है कि एक बार एनवायरनमेंट में घुलने के बाद डिकम्पोज होने में बहुत लंबा टाइम लेती है। यह गैस ताजी हवा को दूषित कर देती है, और इस हवा को लेने से बड़ी खतरनाक बीमारियां पलना शुरू हो जाती हैं। एग्जाम्पल अस्थमा, जिससे कि सांस लेने की परेशानी होती है, पल्मोनरी कैंसर, इम्यून सिस्टम एंड हार्मोन ग्रोथ ना होना, ऐसी डिसीज होने लगती है। स्मोक करने से भी पल्मोनरी कैंसर होता है। अगर दोस्तों रिसर्चर्स की माने तो कई स्वस्थ महिलाओं के प्लेसेंटा यानी गर्भपात में माइक्रोप्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले हैं। हर रोज एक स्वस्थ आम आदमी 4 ग्राम प्लास्टिक का सेवन कर रहा है। आपसे कोई कहे कि आप खाने पीने के सामान के साथ साथ प्लास्टिक भी खा रहे हैं तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन यह सच बात है। दोस्तों इन पार्टिकल्स का सबसे बड़ा सोर्स ड्रिंकिंग वाटर है, जिनमें नल का पानी और बोतल में बंद पानी, हवा और खाने में प्लास्टिक घुला है। हर हफ्ते आप 5 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक खा रहे हैं, यानी कि एक क्रेडिट कार्ड के बराबर। रॉयटर्स के हिसाब से एक साल में इतना प्लास्टिक खा जाते हैं कि फायरमैन के हेलमेट को बनाने में लगता है। इसका मतलब है कि हम हर 10 साल में 2.5 केजी से ज्यादा प्लास्टिक खा जाते हैं। अगर इस सम को कैलकुलेट करोगे तो हम अपनी पूरी जिंदगी में 20 केजी प्लास्टिक खा जाएंगे। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, दोस्तों ये खेतों को भी पॉल्यूटेड कर रहा है। ये प्लास्टिक जब खेतों तक पहुंचता है तो ये फ्लो करने की मिट्टी के साथ साथ अंदर धंसने लगता है, सिंक टू इन द सॉयल, जिससे कि फार्मिंग की फर्टिलिटी की इफिशियंसी को खत्म कर देता है। लोगों की सुविधा के लिए इजाद किया गया प्लास्टिक आज मानव जाति के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। ऐसे में समय रहते लोग सचेत नहीं हुए तो उपजाऊ जमीन बंजर हो सकती है। कई जगहों पर प्लास्टिक को जला दिया जाता है। जलने के बाद इसे एयर पॉल्यूशन तो होता ही है, लेकिन जहां जलाया जाता है वहां की मिट्टी भी प्रदूषित हो जाती है। मिट्टी के अंदर कैचुआ, फफूंद जैसी कई ऐसे कीड़े होते हैं जो जलकर मर जाते हैं। साथ ही वर्षा जल और हवा सोखने की भी क्षमता घट जाती है। सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे लिए कितना ज्यादा खतरनाक है अब आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों, इसको कम से कम यूज करें और सेफली चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।